फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्विजा। डिलीवरी के बाद या बच्चा होने के बाद पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, पॉटी की जगह में दर्द, वहाँ से खून आना, ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या क्या है और उसके लिए क्या कोई ट्रीटमेंट हो सकता है, चलिए ये सभी सवालों के जवाब आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। एक प्रेग्नेंट लेडी के लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती है। एक प्रेग्नेंट लेडी की लाइफ में उसके हार्मोन बहुत हद तक चेंज हो जाता है। प्रेगनेंसी में सॉफ्ट टिश्यू रिलैक्स होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है और बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन होता है। तीसरा चीज़, कई बार यूट्रस तैयार नहीं होता है इतना हेवी बच्चे के लिए जिसको वो बड़ा कर रहा है। एट द सेम टाइम कई बार यूट्रस तो स्ट्रॉन्ग है बट बच्चे का वज़न ज़्यादा है, इसीलिए यूट्रस का प्रेशर आपके जो लोअर ऑर्गन्स है उसके ऊपर पड़ते रहता है। इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा प्रेशर है और ये जो सब चीज़ें प्रेगनेंसी में हो रही है, इसकी वजह से आफ्टर डिलीवरी पाइल्स का तकलीफ होना बहुत कॉमन है। शायद ये पाइल्स होता क्या है, पाइल्स बेसिकली सूजन है आपके पॉटी के जगह का या अंदर की तरफ, मुझे लार्ज इंटेस्टाइन का जो हिस्सा होता है जहाँ पे पॉटी फाइनली आके रुकता है, सो पॉटी रिलेटेड जगह में सूजन आना, वहाँ पे ब्लीडिंग होना, दर्द होना, ये सभी चीज़ों को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं कि पाइल्स का तकलीफ। बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी में भी पाइल्स का तकलीफ होता है, बट यस आफ्टर डिलीवरी पाइल्स का तकलीफ हम लोगों ने बहुत सारी लड़कियों में देखा हुआ है, इसीलिए हम लोग ये वीडियो बहुत डिटेल में कर रहे हैं। पाइल्स बेसिकली दो टाइप का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ा आतड़ा जिसको बोलते हैं, उसके सबसे आखिर वाले हिस्से में पॉटी आके रुकता है। याद रखो ऑल ऑफ यू, पॉटी जितना ज़्यादा वहाँ पे रुकेगा, मतलब आप जितना देर पॉटी कंट्रोल करोगे, पॉटी लग तो रहा है लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ, ये जितना देर तक करोगे उतना समय पॉटी वहाँ पे रहेगा और उतना समय पॉटी में से बॉडी पानी अब्जॉर्ब करके लेता है। सो पॉटी जितना वहाँ पे रहेगा उतना उसमें से पानी अब्जॉर्ब होगा, जितना पानी अब्जॉर्ब होगा उतना पॉटी और ड्राई होगा, जितना पॉटी ज़्यादा ड्राई होगा उतना उसको निकालने में तकलीफ ज़्यादा होगा। सो ये जो पूरा सीक्वेंस है, तो जब भी बड़े आतड़े के ये आखिरी वाले हिस्से में सूजन आ जाती है और वहाँ पे ब्लीडिंग चालू होता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल पाइल्स। शायद हमको बाहर से पता चल सकता है क्या, नहीं, जब तक वो स्वेलिंग वाली स्टेज पे है तब तक आपको पता नहीं चल सकता बाहर से कि एक्चुअली पाइल्स हो चुका है क्या। माइट भी आपको कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा है, पॉटी पुश करने में तकलीफ हो रहा है, बहुत सारा ड्राई स्टोनी पॉटी हो रहा है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बट आपने ये सब निग्लेक्ट कर दिया तो आप पाइल्स के अगली स्टेज पे पहुंचोगे जहाँ पे जो इंटरनल पाइल्स है उसमें ब्लीडिंग चालू हो जाता है और वो ब्लीडिंग आपको पॉटी में दिखाई देगा। कई बार ये अगर फ्रेश ब्लड है तो वो इंटरनल ब्लीडिंग है ही नहीं, वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग है। सो यूजुअली आपके पॉटी में ब्लैक डॉट्स दिखना या पॉटी ब्लैकिश दिखना, ये साइन है कि अंदर ब्लीडिंग हो रहा है। सेकेंड टाइप ऑफ पाइल्स इज एक्सटर्नल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स क्या होता है श्रेया? एक्सटर्नल पाइल्स मतलब जो आपका बाहर का एनल कैविटी है, मतलब जहाँ से आप एक्चुअली पॉटी पुश करते हो बाहर, वहाँ पे इंजुरी होना, मतलब वहाँ पे सूजन आना, वहाँ पे कट या क्रैक जाना और वहाँ पे सूजन आने की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग होना, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। तो पाइल्स आपके विथ ब्लीडिंग हो सकते हैं, विदाउट ब्लीडिंग हो सकते हैं, पाइल्स में आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। आप लोगों को कुछ चीज़ें याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे पेन और स्वेलिंग है वहाँ पे आपके बॉडी में वात मतलब गैसेस ज़्यादा बन रहा है। दूसरा एक चीज़, जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है इसका मतलब भी आपकी बॉडी में गैसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, आप लोगों को 100% याद रखना है स्निग्ध। स्निग्ध मतलब जो उस पॉटी को नरिशमेंट देगा वैसा फूड। शीत, बिकॉज आपको जब भी पाइल्स होता है तभी आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, वहाँ पे पेन भी हो रहा है, तो आपको ऐसा खाना खाना है जो उस जगह को ठंडास देगा और ताकि वहाँ पे आपको पेन कम फील हो, स्वेलिंग को कम होने में हेल्प होना चाहिए। उसके ही साथ सी, कोई मतलब नहीं है कि मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट, थोड़ा सा क्रीम लगा के उसको ठीक करूँ और मेरे को पाइल्स तो बार बार हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अंदर किस चीज़ों को ठीक करना चाहिए था वो आप मिस आउट कर रहे हो। सो कौन सी चार चीज़ें जो आपको कंपलसरी यहाँ पे याद रखनी है।
सो आपको चार चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम लोग पाइल्स की ट्रीटमेंट की बात करते हैं, आहार, आचार, विचार एंड व्यायाम। ये चारों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। आहार, आहार मतलब क्या होता है कि आप कौन से टाइप का खाना खाओगे। यस, अभी जो मैं आप लोग को रेमेडीज़ बता रही हूँ वो मॉडर्न साइंस एंड आयुर्वेदा को कॉम्बिनेशन करके वो रेमेडीज़ बता रही हूँ, ताकि वो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आहार को लेके आपको याद रखना है, आप लोग को लैक्सेटिव्स नहीं खाना है। सो यूजुअली डॉक्टर आपको जो देगे कि आप सपोजिटरी डाल दो या आप लोग लैक्सेटिव खा लो, वो आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके छोटे आंतड़े और बड़े आंतड़े दोनों को ही तकलीफ देता है, इनफैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को ही तकलीफ देता है। इसीलिए आप लोग को बहुत सारी दवाइयाँ दे दे के लैक्सेटिव इफेक्ट क्रिएट करके पॉटी को बार बार अगर बाहर निकालना पड़े तो ये बहुत निगेटिव हो जाता है आपकी बॉडी के लिए। इसीलिए आप लोग इसबगोल ले सकते हो। इसबगोल ये आपको लोकली मेडिकल स्टोर में अराउंड द काउंटर मिल जाएगा, ये आप लोगों को लेना है, ये आप लोग ले सकते हो आपको हेल्प होगा। दूसरा चीज़ कैस्ट्रॉयल, अगर आप रात में सोते वक्त थोड़ा कैस्ट्रॉयल लेके सोते हो तो ये आपको स्टूल सॉफ्टनर की तरह हेल्प करेगा। तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ प्रूंस, सूखे हुए आलू बुखार का जूस या सूखे हुए आलू बुखार अगर आप लोग ओवरनाइट सोक करके सुबह में उसको स्मैश करके उसको च्यवनप्राश की तरह चाटते हो तो इससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। नेक्स्ट कुछ बेसिक चीज़ें, आपके खाने में या आपके पीने में पानी का कंटेंट आपको बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह उठते ही आप लोग गुनगुने पानी में थोड़ा सा घी डाल के ले सकते हो, उससे आपके स्टूल्स को सॉफ्टली पास करने में हेल्प होगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपके डाइट में फाइबर, फ्रूट्स, ये चीज़ें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जितने फ्रूट्स आप लोग खाओगे उतना आपका पॉटी सॉफ्ट होता है, जितने फाइबर आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से खाओगे उतना आपके पॉटी को एक बल्क मिलता है और जिसकी वजह से पॉटी इजीली पास होने में आपको हेल्प होगा। ये हो गया आहार। नेक्स्ट आता है आचार। आचार मतलब क्या होता है श्रेया? आचार मतलब आप लोगों का लाइफस्टाइल। आप लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? अगर आप पूरा दिन बैठ के काम कर रहे हो, आप एक जगह पे बैठ के कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हो, ऊपर से आपका बैठने का पोस्चर इधर पीछे झुका हुआ है या बहुत ज़्यादा आगे झुका हुआ है, तो आपका जो नीचे का हिस्सा होता है ऑब्वियसली उसको कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई मोबिलिटी नहीं है। और जिस चीज़ की मूवमेंट नहीं होती है वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होता है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होता है उसका इफ़ेक्टिवनेस जो होता है वो भी कम होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आपका डिलीवरी होते ही जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। सो आप लोगों को याद रखना है कि आप जब भी प्रॉपर खाना खाओगे, प्रॉपर मूवमेंट्स करोगे बॉडी का, जो आपके आचार का हिस्सा है। सो बेसिकली आचार मतलब लाइफस्टाइल। और आप लोगों को आपके कोई भी टाइप के काम में हर 20 मिनट से आधे घंटे के बाद एक या दो राउंड मारना या थोड़ा सा वॉकिंग करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग जितना ही इन्वॉल्व करोगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट, खुली हवा में जाना। सो खुली हवा में आप लोग जब भी जाते हो एज अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, मैट भी सुबह और शाम आप खुली हवा में जाते हो तभी आप लोगों का ओवरऑल ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है वो इम्प्रूव होता है और वो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा आपके हेल्थ में। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को याद रखना है कि आप हेल्दी डाइट, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया, वो आपका लाइफस्टाइल बनाओ। आप जितना मैदा खाओगे उतना कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, आप जितना कुकीज़ और बेकरी फूड खाओगे उतना कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, आप जितने फ्रूट्स को अवॉइड करोगे उतना आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप लोगों को ब्लीडिंग पाइल्स है तो आप लोगों को हीमोग्लोबिन का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको हाई आयरन चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ आप लोगों को आपके आचार में याद रखना है कि लाइफस्टाइल में वो सभी चीज़ें जो आपको गैसेस रिलीव करने में हेल्प करती है वो आप लोगों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिकली आप लोग थोड़ा सा अजवाइन खा सकते हो आपके खाने के बाद, उसी के साथ आप लोग थोड़ा सा धने का पानी ले सकते हो। अगर आप लोगों को पॉसिबल है तो आप आपके पॉरेज में थोड़ा सा सॉन्ट या ड्राई जिंजर जिसको बोलते हैं वो डाल के ले सकते हो। सो इन सब से क्या होगा, आपको गैसेस रिलीव होने में हेल्प होगी। उसी के साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है नीचे लोअर एब्डोमेन में स्पेशली, बिकॉज आप पॉटी पुश करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, हर रोज़ रात में सोते वक्त अगर आप लोग थोड़ा सा तिल का तेल या बादाम का तेल आपके नाभि में और नाभि के आसपास अगर लगाते हो तो ये नरिशिंग इफेक्ट देता है आपके बॉडी के लिए और जिसकी वजह से आपको मोशन ईजिली पास करने में 100% हेल्प होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ विचार। आपका थॉट पैटर्न कैसा है? आप अगर टू मच स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो, आउट ऑफ स्ट्रेस आप लोग जंक फूड खा रहे हो, आउट ऑफ स्ट्रेस आप फ्राइड फूड और बेकरी फूड खा रहे हो, तो ये जो स्ट्रेस है, ये जो आपका माइंड सेट है, ये जो आपका माइंड गेम है, ये आप लोगों को तकलीफ देगा।
सी बहुत सारे लोग पाइल्स में जो भी होते थे कंप्लेनिंग जोन में चले जाते हैं, ऑब्वियसली उनको ही पता है उनको कितना तकलीफ हो रहा है, ना उठने आ रहा है ना बैठने आ रहा है। तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सॉल्यूशंस की तरफ आपका फोकस लेके जा सकते हो। सो आपको एक राउंड क्रिएट करना है या रोल क्रिएट करना है टॉवल का, उसको यू शेप में रख के आपको उसके ऊपर बैठना है आपको जितना पॉसिबल हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक। सो आप जितना चांटिंग्स जितना हमिंग करोगे उतना आपका लोअर पार्ट रिलैक्स होते रहता है, जितना लोअर पार्ट रिलैक्स होगा उतना आपको पाइल्स की तकलीफ कम होने वाली है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को हिप बाथ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो बेसिकली एक टब लेना, उस टब में गर्म पानी रखना है और आपको आपकी हिप के एरिया को करीब 15 से 20 मिनट के लिए डिप करके रखना है उस पानी में। आपको पता है हिप बाथ अगर आप लोग एवरी डे 10 से 15 मिनट के लिए करते हो सो ये आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए आपका हेल्प करता है, ये आप लोगों को पाइल्स में हेल्प करता है, ये आपको रिलीफ पेन से और स्वेलिंग से रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फिर आप लोग को कोशिश करना है कि आप लोग ये एवरीडे करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइजेस। याद रखो एक्सरसाइजेस में सर्वांगासन, हलासन, उसके साथ आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट जैसे हम लोग बोलते हैं चक्रासन, सो बेसिकली वो सारे एक्सरसाइजेस जिसमें आपका पेल्विक मोबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा, वो आपको पाइल से रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके साथ आप लोगों को याद रखना है कि अगर आप लोग कीगल्स एक्सरसाइजेस करते हो तो कीगल्स एक्सरसाइजेस क्या होता है, ऐसा सोचो कि आपको अभी बहुत ज़ोर की वॉशरूम को लगी हुई है बट आप नहीं जा रहे हो। आइडियली करना है कि आपको नहीं करना है, आपको पॉटी को होल्ड नहीं करना है, आपको पॉटी का अर्ज आता है वैसे ही पॉटी करने के लिए जाना है। अगर आपको गैसेस पास करना है तो आपको उसको अवॉइड नहीं करना है कि आपको अगर नीचे पेन होगा, आप लोगों को नीचे के एरिया को मतलब जहाँ पे आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है वहाँ पे मॉइस्चराइजिंग या पेट्रोलियम जेली अगर आप लोग लगाते हो तो वो हिस्सा थोड़ा सा सॉफ्ट होने लग जाता है तो आपको पेन काफ़ी हद तक कम होगा। बट आप लोग ऐसा सोचो कि आपको बहुत गाय की वॉशरूम को लगी हुई बट मैं आपको जाने नहीं दे रही हूँ, तो आप कौन से हिस्से को अंदर खींच के रखोगे, खींचो 1 2 3 4 5 छोड़ दो, वापस खींचो छोड़ दो। जो मैंने आप लोगों को हिप बात बोला, आपको 15 मिनट के लिए वार्म वाटर में हिप को डिप करके बैठना है, आप तभी हिप बात लेते वक्त भी अगर कीगल्स करते हो तो ये भी आपके पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन में बहुत हद तक रिलीफ देगा। याद रखो ऑल ऑफ यू, आपको तकलीफ हो रही है मैं समझ रही हूँ बट तकलीफ हो रही है इसीलिए अगर मूवमेंट्स नहीं करोगे और डाइट का ठीक से ख्याल नहीं रखोगे तो वो तकलीफ कम नहीं होने वाली। तो ये सभी चीज़ें फॉलो करो और अपने पाइल्स की तकलीफ को रिलीव करो। आफ्टर डिलीवरी केयर के सेगमेंट में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आप प्रेग्नेंट हो या आप नई नई मम्मा बने हो या आपका बच्चा 4 साल के अंदर है और आप लोग को मुझसे हेल्प चाहिए आपकी इस पूरे जर्नी में, डू लेट अस नो। याद रखो ऑल ऑफ यू, अवेयर एंड अ कॉन्फिडेंट मदर हमेशा ऐसे ही बच्चे को बड़ा करते हैं जो लाइफ में एक चैंपियन की तरह जीता है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।